हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक व्यास प्राइस वैसे और आज मैं आपको बताने वाला हूं नोकिया 2.4 के बारे में। अगर आप सोच रहे हैं कि ये फ़ोन बॉक्स से बाहर क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 3 से 4 दिन से इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूं, तो यू नो मेरे पास काफ़ी कुछ है इसको बताने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बॉक्स कंटेंट भी बता देता हूं। तो एज़ यू कैन सी, यहां पर आपको इसका 2 पिन वॉल चार्जर मिल रहा है जो कि 5 वॉट्स का है। साथ में है इसकी माइक्रो USB केबल। नोट करने वाली बात है, ये माइक्रो USB है जिसके बारे में हम लोग अभी आगे और बात करेंगे। नोकिया के हर बॉक्स की तरह ये भी यहाँ से इस तरीके से स्लाइड होकर निकलता है, जो कि ऊपर से नहीं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 240 लिखा, यानी कि 2.4 है इसका मतलब। इसको रख देते हैं यहाँ पर। साथ में अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है डॉक्यूमेंटेशन, और ये है इसका सिम टूल, एंड ये रहा इसका एक ट्रांसपेरेंट कवर जो कि आपको इसके साथ मिल रहा है। इसके अलावा आपको और कोई बॉक्स कंटेंट नोकिया 2.4 में नहीं मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। तो जल्दी से ये अनबॉक्सिंग वाले जो पार्ट था ये तो ख़त्म हो गया। अब आते हैं मुद्दे पे, यानी कि फ़ोन कैसा है। तो यार अभी वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि दिखने में ये फ़ोन काफ़ी सही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे डुअल शेड में है, और आपको ना इसके ऊपर बहुत हल्का सा एक टेक्स्चर पैटर्न मिल रहा है जो कि आपको ये हाथ में तो अच्छा फील देता है, साथ में ग्रिप में भी थोड़ी हेल्प करता है ऐसा है। और इधर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको गूगल असिस्ट बटन मिल रहा है, सिम ट्रे है इसकी, ये इस साइड पे वॉल्यूम रॉकर है, और ये इसका पावर बटन है आप देख सकते हो, ठीक है। साथ में पीछे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पर है इसका ये फिंगरप्रिंट सेंसर, नोकिया की ब्रांडिंग मिल जाएगी, प्लास्टिक बॉडी वाला ये फ़ोन है। यहाँ पर एक सिंगल LED फ्लैश भी आपको ये मिल रहा है आप देख सकते हो। तो मैं आपको इसकी एक बार थिकनेस भी बता देता हूँ। आप देखेंगे कि साइड से इसकी जो थिकनेस है वो है लगभग 5.40 mm, ये आप देख सकते हैं लगभग इतनी है ये। आगे की तरफ आएंगे तो इसमें है 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले। जी हाँ, और बिलीव मी, जितना मैंने इसको यूज़ किया है उसमें मेरा डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस है वो अभी तक का सबसे बेस्ट रहा है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात कर लें तो मैं आपको बता दूं कि हार्ड सनलाइट में बहुत हल्की सी आपको शायद से परेशानी हो जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी ब्राइटनेस एकदम फुल पे और हम लोग इंडोर्स में हैं तो ये है, लेकिन कोई मेजर परेशानी नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो जो थोड़ा सा चिन्ह वगैरह है ये आप देखो नोकिया की ब्रांडिंग है, ये थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डिस्प्ले का इसका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ में यहाँ पर मैं आपको जाता हूँ एक बार पूरा डिस्प्ले का आप देख लेंगे कि बेजल्स का आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर आपको मिलता है प्रोसेसर वाइज MediaTek का हीलियो P22 प्रोसेसर, साथ में आपको मिलता है Android 10, ये आप देख लीजिए। और इसमें आपको आने वाले 2 साल तक एंड्रॉयड के जो अपग्रेड्स हैं वो मिलेंगे, और हर महीने सिक्योरिटी पैच के अपडेट तो आपको मिलते रहेंगे। तो ये इसका यू नो काफ़ी सही पॉइंट है कि आपको सॉफ्टवेयर को लेके कोई परेशानी वाली बात नहीं रहेगी। इसमें आपको 3 GB की रैम और 64 GB की स्टोरेज मिल जाती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 64 GB की स्टोरेज है। इसके अलावा अब इसके कैमरास की बात करें तो इसमें आपको 13+2 MP का प्राइमरी कैमरा सेटअप, यानी कि जो डुअल कैमरा सेटअप है वो मिल रहा है, और साथ में यहाँ पर LED फ्लैश है जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो इसकी कैमरा क्वालिटी की बात करें तो मैं आपको बता दूं यार कि इसके सेगमेंट के हिसाब से ना काफ़ी सही है, मैंने इसमें काफ़ी सारे फोटोज ऑलरेडी लेके रखे थे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर एक लॉन्ग शॉट से, तो आप देखो यार इसमें जो आउटडोर लाइटिंग में डिटेल्स है ना, आई एम रियली इम्प्रेस। आप इसको देखो कितना भी जूम कर लो, ऑफकोर्स एकदम एक्सट्रीम जूम पे तो वो हो ही जाता है, हर एक फोन के में थोड़ा सा डिटेल्स है, लेकिन आप देखो सेगमेंट के हिसाब से इसके ऊपर आपको जो डिटेल्स मिल रही है वो काफ़ी सही है। मतलब मैंने ऑलमोस्ट पूरा जूम करके रखा है ऐसा ले लो, ठीक है। इसके बाद इस शॉट में भी आप देखोगे तो देखो कलर हो गया, चाहे जो ब्रिक्स की डिटेल्स हो गई, आप देखो एक एक ब्रिक आपको अपने आप में एकदम क्लियर दिख रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ये मुझे बहुत सही लगा। फ्रंट पे आप अगर यहाँ पर एक और शॉट देखोगे तो ये मैंने आउटडोर में लिया था, सेम क्वालिटी आप देखो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये मैंने एक ऐसे बहुत क्लोजअप सा शॉट लिया था, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आया है ये भी। इसके अलावा इसमें आपको नाइट मोड मिल जाता है, तो ये वाला जो है ये नाइट मोड ऑफ है और ये वाला नाइट मोड ऑन है, तो आप देख सकते हैं बहुत डिफरेंस है कि जो ऊपर वाला एरिया है वो डार्क था, जो बिल्डिंग था वो थोड़ी क्लियर नहीं थी, और इस शॉट में वो क्लियर हो गई है। तो ये हो गया एक और फ्रंट का शॉट जो कि मैंने आउटडोर लाइट में लिया था, पर मैं था अंदर, मतलब लाइट रूम के अंदर ही, तो आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छा है। पोर्ट्रेट शॉट के ऊपर बात कर ले तो आप देख सकते हैं इसमें भी ना पोर्ट्रेट को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, स्टार हार्ट एंड काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। कैमरा UI पर आ जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फोटो, पोर्ट्रेट, वीडियो, नाइट मोड के ऑप्शंस मिलते हैं। आप पोर्ट्रेट में जाएंगे, जो मैंने बताया कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अगर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिल रहे हैं, स्टार हार्ट बटरफ्लाई और वाटर ड्रॉप, तो ये आपके ऊपर आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो में जो है यहाँ पर आप जाएंगे तो आप इससे जो वीडियो शूट कर सकते हैं
रेयर कैमरा से है फुल एचडी वीडियोस एंड फ्रंट से भी है फुल एचडी वीडियोस। तो ये मैंने आपको बता दिया, कैमरा क्वालिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपको ये फ्लैश ऑन करने के लिए जो मैंने आपको बताया था वो है। इसके अलावा ये रहा इसका नाइट मोड और यहाँ पर टाइम लैप्स एंड पैनोरामा के ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं। फ्रंट कैमरा की भी बात हो गई है, अब आते हैं इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो यार देखो ऑनेस्टी से मतलब मैंने ना इसके अंदर पबजी भी ट्राई किया था, तो अगर आप लॉन्ग गेमिंग सेशन के लिए देख रहे हो तो यार आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि प्रोसेसर आपको ही पता है कि वैसे पता इतना हैवी एकदम गेमिंग ले नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप बहुत लाइट यूज़र हो, इसको ऐसे लेते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा गेम नहीं खेलते हो और यू आर वेरी लाइट यूज़र, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। इसे मैं आपको अभी अभी एक डेमो देके बताया था कि आप ये देखो मैंने इसके अंदर ना सबवे सर्फर काफ़ी देर तक खेला और मुझे कोई परेशानी नहीं आई, आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मैं डिस्प्ले का आपको एक्सपीरियंस बता रहा था वो मैंने देखी इसके लिए बोला था कि अब आप देखोगे तो आपको कलर सारे एकदम बहुत ही बढ़िया उठ के आ रहे हैं, जो डिटेल्स हैं वो बहुत सही लग रही हैं। तो जो डिस्प्ले का ओवरऑल एक्सपीरियंस है मुझे वो तो अच्छा लगा था, साथ में मैंने जो इसके अंदर गेमिंग करी है इस गेम को लेके वो भी काफ़ी अच्छी थी। अगर आप बहुत लाइट गेमर हो कि या भाई ठीक है एक आधा गेम खेलना है तो शायद से आप पबजी भी फिर निकाल ही लोगे, ऐसा है। लेकिन अगर नॉर्मल जो गेम्स हैं वो खेल लें तो आपको कोई परेशानी होने नहीं वाली है, ये मैं आपको बता दूँ। इसके अलावा स्पीकर के ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग, तो एक बार और स्पीकर टेस्ट। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इसका साउंड मुझे वाकई में अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा और लाउड हो सकता था। और इसके स्पीकर यहाँ पर नीचे वाली साइड पे हैं और हेडफोन लगाने का शौक है तो 3.5 जैक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। तो ये तैयार हो गया, देखो परफॉर्मेंस क्या है, काफ़ी क्विक सा मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने अपना वर्डिक्ट भी बताया है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो अब अंत में बात कर लेते हैं हम लोग बैटरी की। तो बैटरी आपको इसमें मिलती है 4500 mAh की, जो कि 5 वॉट्स के चार्जिंग के साथ है। अब मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया है, आपको इसके और कौन से वीडियोस देखना है, और जल्दी मैं इसका कैमरा रिव्यू भी लेके आने वाला हूँ, तो वो तो मैं लेके आ रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा आपको और कौन सा वीडियो देखना है मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर मैंने कोई सा पॉइंट मिस किया हो तो आप मुझे वो भी बताना, डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन योर फीडबैक। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना। दिस इज प्रतीक व्यास फ्रॉम प्राइस बाबा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।